नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। मेहरबान आशा पति पत्नी दोनों को रात भर क्वारंटाइन रखने के बाद गुरुवार को अलग अलग दो 108 एम्बुलेंस से सैंपलिंग के लिए डपरा भेजे गए। रविंद्र सरदार ग्राम केथी मुरैना से लौटा था, तभी गांव वालों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी। अरविंद ने जांच कराने से मना कर दिया था, कहा मैं कल ही परमिशन लेकर गया था, मैं होम क्वारंटाइन रहूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, ऐसा लिखित में देकर गया था। अर्चना पवैया ग्राम भदेश्वर ग्वालियर से आई स्क्रीनिंग जांच कराकर घर जा पाई। बुधवार को 5 लोगों को सैंपल के लिए डबरा भेजा था, जिसमें से 3 को डबरा से ग्वालियर भेजा गया, 2 को वापिस चिनोर में क्वारंटाइन रखा गया। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। थाना नरवर पर डीएसपी प्रियंका पांडे, नायब तहसीलदार आशीष यशवाल के द्वारा सभी दुकानदार व्यापारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दुकान खोलने का समय 7 से 5 बजे निर्धारित किया गया है। दुकानों के सामने लोगों की भीड़ जमा न होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फालतू भीड़ न बढ़ाएं। इसी के चलते सभी व्यापारियों ने दुकानदारों से निर्देश का पालन करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में हम भी पुलिस प्रशासन के साथ हैं, जैसा भी प्रशासन का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। हिंदुस्तान टुडे के लिए संवाददाता धर्मवीर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। चीमक में आज करीब 12:30 पर एक युवक की कंबाइन का कटर गिरने से मौत हो गई। बताया गया है कि अंशुल पुत्र जगदीश सैन, जिसकी उम्र 18 वर्ष, जो कि कंबाइन के पास पहुंचा और कंबाइन का मिस्त्री कंपान बना रहा था, जिसका नाम बिट्टू सरदार बताया गया है। बिट्टू के पास अंशुल गया और कटर के नीचे जाकर बैठ गया। कटर गिरने से बिट्टू के पैर फ्रैक्चर और अंशुल दब गया, जिससे बुरी तरह घायल हो गया। ग्वालियर ले जाते समय अंशुल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंशुल और उसकी एक बड़ी बहन अपने माँ बाप के अकेले थे, जो कि अंशुल की कटर गिरने से मौत हो गई है। ग्वालियर में पीएम कराकर चीमक लाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीमक से, जहां मजदूर महिला विनीता बाई ने बताया है कि मोहम भागवाली ने मजदूरी करके हम लोग 3 दिन से कड़ी धूप में भूखे प्यासे चले आ रहे हैं और अपने घर उमड़ी के लिए जा रहे हैं, और अभी तक प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली है। कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से बाहर के मजदूरी करके लौटे केंद्र और प्रदेश सरकार की, जब अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन में फंसे अमीरों के बच्चों को लाने के लिए प्रशासन द्वारा तरह तरह की मदद कर रही है और उन्हें लाने के लिए सरकार अपने खर्चों पर बसों के माध्यम से उन्हें अपने प्रदेश में बुला रही है, और आज इन गरीब मजदूरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना तो खाने की और ना ही पीने की। उन्हें लाने के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है और ये मजदूर लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से कड़कड़ाती धूप में पैदल घर तक आ रहे हैं। चीमक से संवाददाता वीरेंद्र पराशर की खास रिपोर्ट। साधन की व्यवस्था? साधन कोई साधन, पैदल चले आ रहे हैं। आप वहाँ पे काई के लिए गए थे? गेहूं काटने के लिए। जो आपको लेके गया था वो आपको छोड़ने के लिए? खबर शिवपुरी जिले के करेरा तहसील से है, जहां कोरोना महामारी के बीच कोटा में फंसे करेरा के 7 बच्चे सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। करेरा एसडीएम एम गरवाल और आरआई विनोद सोनी ने बताया कि अगुवाई की कोटा से आई बस सहायता केंद्र पहुंची, जहां बच्चों के परिजन उपस्थित थे। छात्रों की घर वापसी, बच्चों के परिजन खुश नजर आ रहे थे, तो वहीं बच्चे भी राहत की सांस ले रहे थे और चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। बच्चों द्वारा मध्य प्रदेश शासन और करेरा प्रशासन को आभार प्रकट किया गया। वहीं एसडीएम गरवाल ने बच्चों और परिजनों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहने के दिशा निर्देश देते हुए 14 दिन तक बच्चों घर पर ही क्वारंटाइन रहेंगे ऐसी सलाह दी, और घर से बाहर निकलने की जिद ना करें, परिजनों को इस पर एहतियात बरतने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। पढ़ाई कर रहे थे लॉकडाउन होने की वजह। गर्मी का मौसम शुरू होते ही वन प्राणी पानी की तलाश में बसाहट की तरफ चले आते हैं। इस बात की जानकारी शिकारियों की होती है, जिसका फायदा उठाते हुए ये लोग जल स्रोतों में जहर डालकर शिकार करने का काम करते हैं। ऐसे एक मामला बालाघाट जिले के खेरलांची वन परिक्षेत्र अंतर्गत मुरछड़ के गर्राबोरी में सामने आया है, जहां 6 मादा चीतल शिकार हो गए। शिकारियों के द्वारा तालाब के पानी में जहर डाला गया था, जिससे 5 मादा चीतल सहित 1 कोटरी वन्य प्राणियों की तालाब का पानी पीने से मौत हो गई। मृत चीतलों में से 1 गर्भ अवस्था में थी। सभी मृत चीतलों की उम्र लगभग 5 से 4 वर्ष बताई जा रही है। वन विभाग की टीम को पता चला कि वन विभाग के एसडीओ अमित पटौदी अपने अमले के साथ वहां पर पहुंचे और जांच की। डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्धों को पकड़ा गया। वहीं इस पूरी घटना में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इस तरह 6 मूक मासूम वन्य प्राणियों का इतनी आसानी से शिकार हो जाना खैरलांजी वन परिक्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे।
खबर दतिया से, जहां दतिया पुलिस करा रही है पूर्ण लॉकडाउन का पालन। सिंध नदी पर बनाए गए चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस प्रशासन और दतिया एसडीएम वीरेंद्र सिंह बघेल के साथ दतिया नायब तहसीलदार नरेंद्र सिंह यादव द्वारा सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सभी आने जाने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर जी का कहना है कि सभी आदेशों का पूर्ण रूप से पालन कराया जाए। दतिया ग्रामीण से संवाददाता सत्येंद्र रावत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर मिठाई वितरण कर खुशी मनाई। युवा भाजपा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा और भूरे चौधरी ने दतिया नगर में जरूरतमंद परिवारों में राहत सामग्री वितरण की। वहीं युवा भाजपा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा ने करमवीर योद्धा, स्वच्छता प्रहरी, सफाई कर्मियों का सम्मान किया। दतिया से संवाददाता संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। राजक्षेत्र से 18 अप्रैल से अब तक कुल 103 लोगों को बस द्वारा ग्वालियर सैंपलिंग के लिए भेजा जा चुका है। 103 लोगों में से 40 की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 63 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी। कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिले के बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्क्रीनिंग कराई जा रही है और जो लोग संदिग्ध दिखाई देते हैं उन्हें तुरंत सैंपलिंग के लिए बस द्वारा ग्वालियर भेज दिया जाता है और जो लोग संदिग्ध नहीं पाए जाते उन्हें 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाता है। वहीं भितरवार क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 103 लोगों को ग्वालियर सैंपलिंग के लिए भेजा गया था, जिनके सैंपल लेने के बाद ग्वालियर क्वारंटाइन किया गया है, जिनमें से 40 लोगों की रिपोर्ट मंगलवार शाम को नेगेटिव आई है, जिन्हें बस द्वारा वापस भितरवार छोड़ दिया गया है और उन्हें एसडीएम द्वारा निर्देशित करा गया है 28 दिन तक आप सभी अपने घरों में रहें, अगर बाहर दिखाई दिए तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। भितरवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट। बाहर से आए 5 लोगों को सूचना मिलने पर क्वारंटाइन किया गया। जीतू परिहार ग्राम रउआ शिवपुरी से आया था, कुलदीप परिहार ग्राम रउआ शिवपुरी से आया था, बलराम परिहार ग्राम बेरानी होशंगाबाद से आया था, रवि कुशवाहा ग्राम घरसोदी संगाली महाराष्ट्र से आया था, सोन सिंह जाटव ग्राम ईटमा चक इंदौर से आया था। इन 5 ने अपने अपने गाँव के सरपंच सचिव और कोतवाल को फोन करके गाँव आने की सूचना दे दी थी। तभी स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना कर 5 की स्क्रीनिंग कराकर शासकीय अनुजाति जूनियर बालक छात्रावास पर मंगलवार को 5 को क्वारंटाइन किया गया। बुधवार को 2 बार में 5 को 108 से डबरा सैंपलिंग के लिए भेजा गया। जांच आने तक 3 दिन तक चिनोर में रखा जाएगा। क्वारंटाइन तब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। खबर नरवर से मिल रही है, जहां नरवर से नायब तहसीलदार आशीष यशवाल के द्वारा बाइक चालक मास्क न लगाते हुए पाए गए। उन पर माधव चौक नरवर में चलानी कार्रवाई की गई। लोगों को उसी के चलते तहसीलदार ने बताया कि कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जैसे कि व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, जैसे कि मास्क नहीं लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना किया जाए, लोग इसकी वास्तविकता को समझ सकें, कोरोना जैसी महामारी से बचाव कर सकें। लगभग माधव चौक नरवर पर जो लोग मास्क नहीं लगाते पाए गए उनकी गाड़ियों के चालान काटे गए। साथ साथ जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको तहसीलदार के द्वारा मास्क भी दिए जा रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि घर से निकले तो आप मास्क लगा कर ही निकले। हिंदुस्तान टुडे के लिए धर्मवीर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।